कोरोना कब खत्म होगा, कब इससे हमें छुटकारा मिलेगा, कब तक ये फैलेगा, क्या गर्मियों में खत्म हो जाएगा या शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं इस वक्त और बहुत पैनिक वाली सिचुएशन भी हो गई। नमस्कार, मैं हूँ केशव और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग कोरोना। क्या कोरोना से हमें छुटकारा मिलेगा? इस बात का जवाब हमारे पास खुद है। हम इसको कैसे खत्म करें इसका भी जवाब हमारे पास है, पर हम उसको करना नहीं चाहते। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना कहाँ से आया है। चाइना से। चाइना है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और मेरा सवाल है दूसरे नंबर का पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? वह इंडिया। तो क्योंकि इंडिया सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जो खतरा है इंडिया पे वो भी सेकेंड हाईएस्ट का है। पर थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जो अभी उन्होंने बहुत सारे फैसले उठाए हैं, लिए हैं, जिसके वजह से अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। लेकिन ये कब बिगड़ जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तो कोरोना को कैसे खत्म किया जा सकता है? कोरोना का कोई दवाई बन चुका है या नहीं बना हुआ? क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? तो मेरे आपसे सिंपल सा एक एडवाइस है कि कोरोना को खत्म कर हम तभी पाएंगे जब हम अपना सोशल मिलना जुलना या फिर फालतू का इधर उधर घूमना फिरना बंद कर दें। आज ही अगर हम ये चीज़ अपने से प्लेज लेते हैं कि हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, हम कम से कम लोगों, कम से कम क्या, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अगर हमने 3 दिन के लिए पूरी कंट्री अगर ये चीज़ करे कि 3 दिन कोई किसी से नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स से, बाकी कोई भी मिलना जुलना किसी भी टाइप का, चाहे वो वर्क हो चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, इमरजेंसी कंडीशन को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोई बीमार हो गया तो वो तो ज्यादा ही होगा उसे अस्पताल। लेकिन अगर जो हेल्दी पर्सन्स हैं या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं जिनके, वो अगर लॉकडाउन हो जाए तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि किनको ये डिजीज है और किनको नहीं है, और फिर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 3 दिन में आप पूरे कंट्री से कोरोना को भगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिनों के लिए अपने आप को लॉकडाउन करना होगा, अदरवाइज कोरोना को रोकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बन पाई है। दूसरी चीज कि आप अगर मिलते जुलते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, तो फिर आप इस वायरस को कम्युनिकेट होने से कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि ये वायरस तभी रुक सकता है जब इसको दूसरा होस्ट ना मिले। एक के बॉडी में रहने के बाद इसके पास दूसरा होस्ट ही ना हो जिसको, जिसमें ये कैरी हो पाए, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास ये पहुंच चुका है उनका इलाज हो जाएगा, और जिनके पास नहीं पहुंचा वो क्योंकि सोशल कट करने की वजह से वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैवल तो बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब कि सपोज इस स्टेट में, किसी भी एक स्टेट में अगर उनका घर है और वो किसी दूसरे अदर स्टेट में रहते हैं, अगर वो बाहर से आ रहे हैं इस स्टेट में, तो अपने आप को कम से कम एक हफ्ते के लिए वो आइसोलेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो दूसरों को नहीं फैलाएंगे। दूसरी चीज कि अगर वो इन्फेक्टेड है तो उन्हें एक हफ्ते के अंदर पता भी चल जाएगा कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। बहुत सारे केसेस ये देखा जा रहा है ये कि इन्फेक्टेड पर्सन को पता नहीं रहता है कि वो इन्फेक्टेड है, और वो लोगों से दिन भर में 100 लोगों से मिलता है, 1000 लोगों से मिलता है, और 10 या 15 नए मामले शामिल कर लेता है। तो इस वजह से हम कोरोना को खत्म कर सकते हैं, पर हमें अपने आप को टोटली आइसोलेट करना होगा, और यही टाइम है अपने आप को आइसोलेट करने के लिए। अदरवाइज आप फोर्सफुली आइसोलेट होंगे इन फ्यूचर,
आने वाले कुछ हफ्तों में अगर आपने ये नहीं किया तो आपको फोर्सफुली आइसोलेट किया जाएगा। इसीलिए अभी से आप आइसोलेट हो जाइए ताकि वर्स्ट कंडीशन ना आए, ताकि आपको जबरदस्ती का आइसोलेट ना करना पड़े। अभी आपके पास अपनी मर्जी है आइसोलेट होने के लिए, बाकी गवर्नमेंट फोर्स करेगी आपको आइसोलेट होने के लिए, या फिर आपको एनजीओस फोर्स करेंगे, या फिर डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स हैं वो एडवाइस करेंगे, या फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको फाइनली ये तो करना ही है। तो आप इससे अच्छा है कि पहले ही ये सब प्रिकॉशन ले लें। और मेरा जो कहना था कि अगर हम लोग 3 दिनों के लिए, अगर ये पॉसिबल वैसे तो 100% नहीं है, पर अगर 3 दिनों के लिए जितना भी हो सके अगर लॉकडाउन कर दिया जाए, सारे शहर बंद हो जाए या सब कुछ क्लोज कर दिया जाए, तो हम कोरोना से बच सकते हैं।